एन आर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य। इसमें हम क्रम से पढ़ेंगे, पहले बाबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, फिर हुमायूं को हरा के गद्दी पर शेरशाह सूरी बैठ जाता है तो बीच में शेरशाह सूरी के बारे में भी बात करेंगे, फिर अकबर के बारे में बात करेंगे, फिर जहांगीर के बारे में बात करेंगे, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर उत्तराधिकारी मुगलों के बारे में। तो आप बस क्रम से वीडियो देखा करो, आपको याद हो जाए। सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं कि मुगल शासक या उनके मकबरे, जन्म, मृत्यु, शासनकाल और वो किस क्षेत्र में रुचि रखते थे। सबसे पहले आपको शासकों के नाम के लिए ट्रिक याद रखना है कि बाबरा हुआ जहांगीर शाहजहां के पुत्र औरंगजेब की वजह से। क्या कहोगे? बाबरा हुआ जहांगीर शाहजहां के पुत्र औरंगजेब की वजह से। तो बाबर हो गया, हो से बना हुमायूं, आ से बना अकबर, जहांगीर से बना जहांगीर, शाहजहां से बना शाहजहां और औरंगजेब से बना औरंगजेब। ठीक है, अब उनके मकबरे की आप ट्रिक याद रखना है। जैसे अपन अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार कभी घूमने आओ हमारे पास, ठीक है, तो बोले कभी दिल्ली से सिकंदर लाहौर आओ। कभी से क्या बन गया? काबुल। दिल्ली से क्या बन गया? दिल्ली। से क्या बन? कुछ नहीं, बोले सिकंदर से बन गया सिकंदरा, लाहौर से बन गया लाहौर, आ से बन गया आगरा और ओ से बन गया औरंगाबाद। ठीक है, अब हम क्रम से पढ़ेंगे। बोले बाबर था, बाबर का मकबरा, मुगल वंश का पहला शासक कौन था? बाबर। बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था और इसने शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक किया था और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये रुचि रखता था बागवानी में और साहित्य में। ठीक है, इसके बाद गद्दी पर हुमायूं बैठा था और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जन्म कब हुआ था? 1508 में। शासन 1530 से 40 तक किया था, फिर 40 से 45 तक शेरशाह सूरी हरा देता है तो बीच में शेरशाह सूरी शासन करता है, फिर 55 से 56 तक वापस हुमायूं ने शासन किया था और हुमायूं ज्योतिष में रुचि रखता था। ठीक है, हुमायूं के बाद गद्दी पर अकबर बैठेगा। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। और जन्म कब हुआ था? 1542 में। और अकबर कब से कब तक शासन किया था? 1556 से 1605 में। 1605 में मृत्यु हो जाती है, ऐसे हुमायूं की 56 में हो जाती है। ठीक है, ये नगाड़ा बजाता था और तैराकी करता था। ठीक है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। जन्म कब हुआ था? 1569 में। शासनकाल कब से कब तक किया था? 1605 से लेकर 1627 तक, और ये चित्रकला में रुचि रखता था। ठीक है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है। जन्म 1592 में हुआ था, 1627 से 1657 तक शासन किया था और स्थापत्य कला में रुचि रखता था। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। जन्म 1618 में हुआ था, शासनकाल 1658 से 1707 तक किया था और ये वीणा बजाने में रुचि रखता था। ठीक है, इन दोनों की मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि बाबरा हुआ हुआ जहांगीर शाहजहां के पुत्र औरंगजेब की वजह से, कभी दिल्ली से सिकंदर लाहौर आओ। ठीक है, अब हम एक एक से बात करेंगे कि सबसे पहले बाबर के बारे में बात करते हैं कि बाबर ने कब से कब तक शासन किया था? 1526 से 1530 तक। ठीक है, बाबर चगताई तुर्क था। बाबर चगताई तुर्क था। बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन बाबर था। इसका जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना राज्य के उज्बेकिस्तान के अंदिजान नामक शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फरगना राज्य के उज्बेकिस्तान के अंदिजान नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और ये तैमूर का पांचवा वंशज था। ठीक है, तैमूर मैंने पढ़ाया था तुगलक वंश में, आक्रमण करने आया था ना 1398 में। तो ये पिता तैमूर का पांचवा वंश था। माता का नाम था कुतलुग निगार खानम और ये चंगेज की 14वीं वंशज, मतलब जैसे माता की ओर से ये चंगेज का कौन सा वंशज था? बाबर 14वां वंश। ठीक है, और पिता की ओर से तैमूर का कौन सा वंशज था? पांचवा वंशज। समझ गए? ठीक है, चंगेज खां मैंने पढ़ाया था आपको, इल्तुतमिश के समय आक्रमण हुआ था। ठीक है, गुलाम वंश। समझ गए? क्वेश्चन ऐसे बनेगा,
कि बाबर पिता की ओर से तैमूर का कौन सा वंशज था? पांचवा वंशज। बाबर माता की ओर से चंगेज खां का कौन सा वंशज था? चौदहवा वंशज। ठीक है, राज्याभिषेक 11 वर्ष की उम्र में हुआ था, 8 जून 1494 में। ठीक है, इसकी युद्ध पद्धति का नाम था तुलुगमा। बाबर की महत्वपूर्ण कृति थी बाबरनामा, ये बाबर ने लिखी है तुर्की भाषा में। ठीक है, बाबर सूफी मत के किस सिलसिले से संबंधित था? तो उसका नाम है नक्शबंदी सिलसिले से। बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम और पुत्र थे हुमायूं कामरान अस्करी हिंदाल। पुत्रों के नाम क्या क्या थे? हुमायूं कामरान अस्करी हिंदाल। सेना के कुशल तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफा, और चित्रकार थे बेहजादा और शाह मुजफ्फर। चित्रकारों के नाम क्या थे? बेहजादा और शाह मुजफ्फर। ठीक है, यहां तक। आगे बात करते हैं कि 1496 में 13 वर्ष की उम्र में समरकंद पर आक्रमण किया था और इसमें ये हार गया था। ठीक है, 1497 में इसने दोबारा समरकंद पर आक्रमण किया था और जीत गया था। ठीक, 1502 में सरेपुल युद्ध में हारा था और 1504 में काबुल पर इसने अधिकार कर लिया था। 1507 में कंधार विजय के समय पातशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसकी मृत्यु बाबर की 1530 में हुई थी। इसे आगरा में दफनाया गया था, किंतु इच्छा अनुसार, ठीक है, काबुल में भी दफनाया गया था। फिर आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, फिर बाद में कहा इसकी इच्छा थी काबुल, तो काबुल दफनाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि स्थापत्य में योगदान। इसने काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी, बाबरी मस्जिद बनवाई थी अयोध्या में, पिंजौर बाग लगवाया पंजाब में और जामा मस्जिद संबल रुहेलखंड में। ठीक, बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि धारण करवाई गई। अभी हमने ये युद्ध पढ़े थे, इनसे ये वाले युद्ध ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण युद्ध हैं ये, तो उसकी ट्रिक आप समझ सकते हो। ऐसे की याद रखना है जैसे आपने कोई टेस्ट कर ली और आप अपने पिताजी से खा रहे हो तो बोल रहे हो पा खा चंगा, मतलब पिताजी आप खाओ ये बहुत चीज अच्छी है, या बोल सकते हो पा खा पान खा चल घर। ठीक है, अब ये युद्ध कब से कब तक हुए थे? तो 1526 से लेकर 1529 तक, तो क्रम से ऐसे बोल सकते हो 1526 1527 1528 1529 और 30 में मृत्यु। ठीक है, ये किन किन के बीच हुए थे? तो आप जैसे पूछते हो कि आप कहाँ हो, तो पलट के बंदे ने कहा बोले इरा में, मतलब यहीं पर हूँ। ठीक, अब तारीख के लिए आपको बोलना है, बोले 21 17 29 है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो बोले 21 का लड़का 17 की लड़की, 29 के हुए तो 6 साल का बच्चा। ठीक है, बोले अम्मा जम रही हो, जैसे अम्मा को आपने कोई ड्रेस पहनाई और अच्छी लगी तो बोले अम्मा जम रही हो। ठीक है, इन सभी युद्धों में बाबर जीता था। ठीक है, अब देखो ये ट्रिक आपको याद रखना है, पानीपत का पहला युद्ध 21 से बन गया, 21 अप्रैल 1526 से बना कि 1526 में हुआ था, बाबर एवं ए से बन गया इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, इस सभी युद्ध में बाबर जीता है और इसमें बाबर ने युद्ध नीति तुलुगमा का प्रयोग किया था। खानवा का युद्ध देखो 17 से क्या बन गया, 17 माह से क्या बन गया कि मार्च में हुआ था, 27 से क्या बन गया 1527 में, बाबर एवं रा से क्या बन गया कि राणा सांगा के बीच हुआ था और इसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की और गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध 29 से क्या बन गया कि 29, जैसे क्या बन गया कि जनवरी और क्रम 28 आएगा तो 1528 में, बाबर एवं मै से क्या बन गया मैदिनी राय के बीच हुआ था और इस युद्ध में अनेक राजपूत रानियों ने जौहर किया था। घाघरा का युद्ध, ये देखो घा से क्या बन जाएगा, घाघरा, जैसे पानीपत खानवा चंदेरी और घाघरा, तो घाघरा का युद्ध। तारीख क्या थी? 6, महीना क्या था? मई, और सन क्या आएगा? 29। बाबर एवं अफगान शासक ऐसे क्या बन गया कि अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ, बाबर ने बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को
पराजित किए थे। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। देखो पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा 1526, 1527, 1528, 1529। ठीक है, ये तो क्या हो गए, युद्धों के नाम हो गए, सन हो गए। ठीक है, किन किन के बीच? तो बोले बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर राणा सांगा, बाबर मेदिनी राय और बाबर अफगान शासक महमूद लोदी। ठीक, आगे तारीख तो बोले 21 अप्रैल, 17 मार्च, 29 जनवरी और 6 मई। और सभी युद्धों में कौन जीता था? बाबर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। ठीक है, बाबर को उपवनों उद्यानों में अत्यंत रुचि के कारण उसे उपवनों का राजकुमार तथा मालियों का मुकुट कहा गया। बाबर की सेना का केंद्रीय रिजर्व बल कहलाता था कोतल। ठीक है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल, पंजाब, यूपी के क्षेत्र। बाबर ने बाबरनामा में मेवाड़ और विजयनगर दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, बाबर ने सड़कों को मापने के लिए गजे बाबरी नामक माप की इकाई का प्रयोग किया था। कुषाणों के बाद पहला शासक था बाबर जिसने काबुल और कंधार पर कब्जा किया था। अब जैसे एक पेपर हुआ था उसमें पूछा था, संख्या ही पूछी थी कि बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था उससे पहले भारत पर कितने आक्रमण किए थे, तो आंसर था 5। ठीक है, तो ध्यान रखो कि बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 में यूसुफ जई के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, के विरुद्ध हुआ था बाजौर एवं भेरा नामक स्थान पर। कब? 1519 में पहली बार। फिर 1520 में दूसरी बार हुआ पेशावर पे, और तीसरी बार 1520 में सियालकोट और सैयदपुर पे हुआ था। चौथी बार 1524 में लाहौर और दीपालपुर पे हुआ। पांचवा 1525 में हुआ था। उसमें तो क्वेश्चन सिर्फ यही था कि कितने आक्रमण, संख्या तो कितने? 5। क्लियर है? तो यहां पर हमारा कौन खत्म हो गया? बाबर। अब बाबर के बाद कौन बैठेगा गद्दी पर? हुमायूं। तो अगले वीडियो में हम किसको पढ़ेंगे? हुमायूं। ठीक दोस्तों, काफी बढ़िया तरीके से आपको इतिहास पढ़ाया जा रहा है और आप क्रम से वीडियो देखा करो तो आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और बढ़िया नोट्स बना लिया करो। आप बस एक बार पढ़ा करो, याद अपने आप हो जाता है कि अगर हम सही तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, याद करना नहीं पड़ता है, आप बस एक दो बार पढ़ लिया करो, याद अपने आप हो जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, और दोस्तों तक लिंक शेयर कर दें। धन्यवाद।